हो रही है, कोई बड़ी जांच होगी तो उसमें हम सारे सबूत देंगे। मसरूफ है मुख्यमंत्री केजरीवाल साहब के दरबार च हाजिरी लाने से या गुजरात हिमाचल के हरियाणे के दौरे करने से या पंजाब दिया हालात आज ऐसे कर दिते मुख्यमंत्री साहब किथे टिफन बम मिल रहे किथे लॉन्चिंग पैड मिल रहे किथे ईडी आईईडीज मिल रही है आईडीज मिल रही है हैंड ग्रेनेड मिल रहे मुख्यमंत्री साहब पंजाब दे लॉ एंड ऑर्डर ते ध्यान दियो पंजाब पुलिस दे हेडक्वार्टर ते रॉकेट ना हमला होंदा है और खाना पूर्ति की जा रही है टिफन बम पंजाब च घूम रहे और मुख्यमंत्री चुप करके सुता है और ये हत्या कली मूसे वाले की हत्या नहीं है ये पंजाब दे लॉ एंड ऑर्डर नूं चैलेंज है और मुख्यमंत्री साहब तुसी ही ऑर्डर जारी किए सिक्योरिटी वापस करन दे कित्थे रिव्यू होया किन्ने रिव्यू किया और अज कौन कौन अफसर और जिम्मेवारी लेगा कि जिन्होंने यह लिख के दिता कि यह जी अज तुम लिस्ट जारी की है पंजाब के अंदर कि इन लोगों सिक्योरिटी की लोड़ नहीं जिन्हों के घर से चार चार जी मर गए उन्होंने सिक्योरिटी की लोड़ नहीं लेकिन VIP कल्चर नू रोकन की गल करन वाले VIP कल्चर नू नहीं मनांगे वो कहन वाले केजरीवाल साहब की सिक्योरिटी तुम बढ़ाती क्यों नहीं क्लीयर करते रोज चौथे दिन वीडियो पै रही है सिख फॉर जस्टिस दी कि पंजाब की यह सरकार लियान पिछे आम आदमी पार्टी की सरकार लियान पिछे सिख फॉर जस्टिस और खालिस्तानी मूवमेंट का हथ है अज तक ना भगवंत मान हना ने तो ना ही केजरीवाल साहब ने एरा खंडन किया खुलेआम धमकियां दित्तियां जा रही पंजाब की और देश की एकता अखंडता चुप है पंजाब की सरकार और मैं पंजाब पुलिस के अफसरों को बेनती करांगा पंजाब नू वापस काले दौर च ना जान दईए बचाइए पंजाब नू लॉन्चिंग पैड मिल गए रॉकेट चल गए टिफन बम घूम रहे ने ड्रोन राही टिफन बम रोज आ रहे ने पंजाब च पुलिस अफसरों ने कह रही की सी नहीं करनी जनता नू ना दसो लेकिन यह जड़ी हत्यावां शुरू हो गई मुख्यमंत्री साहब पंजाब की सिक्योरिटी का ध्यान करो।